हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी का अचार। हींग डाल दिए हमने। अब डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये गलगल होता है, इस बार हम अचार में गलगल का खट्टा डाल रहे हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट का ब्राउनिश कलर हो गया है। अब डाल रहे हैं हम इसमें कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। आप कलर देख सकते हैं कैसा कलर हो गया इसका। अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये रतन जो डाल रहे हैं थोड़ी सी, इससे ब्लैक रेड कलर होगा। आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही होगा। बढ़िया। अब हमने इसमें डाल दिया है गलगल का खट्टा। खट्टे में ऐड कर दिया सोडियम बेंजोएट, जिससे कि अचार लंबे समय तक चले। थोड़ी सी राई, वैसे तो गलगल का खट्टा डाल दिया है पर तब भी थोड़ी सी राई डाल रहे हैं हम, क्योंकि हमने मीठा अचार बनाया है। बच्चे मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी सौंफ डाली है। ज्यादा नहीं, थोड़ी बस ग्रामीण होता है ग्राम में, थोड़ा सा सिरका, इससे भी अचार लंबे समय तक चलता है। और स्वादानुसार नमक, तो हमारे कोई 6 किलो गोभी है, उसमें मैं बहुत ज़्यादा नमक डालूँगा, तो 200 ग्राम के करीब डालूँगा, क्योंकि हमने इसमें चीनी डालनी है। बच्चे मीठा अचार पसंद करते हैं तो नमक कम रखूँगा। इसमें जीरा, धनिया, थोड़े से काली मिर्च, 6-7 बड़ी बड़ी इलायची के दाने, 10 से 15 लौंग, और सारा गरम मसाला, पीली सरसों, काली सरसों। इससे अचार का स्वाद बहुत ज़्यादा आता है। अभी थोड़ा सा खट्टे को बॉईल आने का वेट करेंगे हम। अब शुगर ऐड कर रहे हैं हम थोड़ी सी, हम अचार मीठा बना रहे हैं। अब खट्टा बिल्कुल पक गया है, बॉईल आ गया है बिल्कुल इसको, तो अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। हमने गोभी को भी बॉईल करके सुखा लिया हुआ है। अब इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे, गैस बंद कर देंगे, फिर गोभी ऐड करेंगे। अब हमारा मसाला ठंडा हो गया और गोभी हम इसमें डाल रहे हैं। अब हमारी गोभी खट्टे के साथ मिक्स हो गई है और अचार तैयार है, लेकिन इसको हम 7-8 धूप में रखेंगे 7-8 दिन के लिए, उसके बाद इसको हम खाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा चटपटा अचार तैयार है।